लालू यादव का राज बिहार में था तब एसपी डीएम उनका चप्पल उठाते थे, इतना ही नहीं उनके लिए खैनी तक ठोका करते थे। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। लेकिन अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें एक महिला कांस्टेबल मंदिर के बाहर रखे राबड़ी देवी के सैंडल को संभालती नजर आ रही है। वहीं पहले छाता कांड और अब यह चप्पल कांड का मामला बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताएंगे पूरा मामला क्या है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पूजा पाठ में लगे हुए हैं। पिछले दिनों लालू अपने पैतृक गाँव गोपालगंज के फुलवरिया जाने के क्रम में थाबे मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान से पूजा सम्पन्न कराया था और मां भवानी की पूजा अर्चना लालू यादव ने अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ की थी। वहीं सोमवार यानी आज लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ हाजीपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लालू यादव के साथ राबड़ी देवी हरिहरनाथ मंदिर जैसे ही पहुंचे, उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। इसके बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई है जिसने छाता कांड की याद ताजा कर दी है। दरअसल राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात एक महिला कांस्टेबल मंदिर के बाहर रखे उनके सैंडल को संभालती नजर आई। पूजा के दौरान वह लालू राबड़ी के साथ मंदिर परिसर में भी मौजूद दिखी। चर्चा है कि महिला सिपाही के हाथों में जो चप्पल है वह राबड़ी देवी का है। कहा जा रहा है कि महिला सिपाही जो चप्पल संभाल रही है वह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सैंडल किसकी है। वहीं अब इस वीडियो पर जो है लगातार चर्चा हो रही है। बता दें कि पिछले दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने गृह जिले गोपालगंज पहुंचे थे। इस दौरान लालू के साथ पूरा सरकारी अमला भी मौजूद था। स्थानीय अधिकारी लालू यादव के आवो भगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इस दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें लालू यादव की सुरक्षा में तैनात गोपालगंज के डीएसपी जो हैं वह उनका छाता लेकर उनके साथ घूमते नजर आए थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद मानो बिहार की सियासत में बवाल आ गया था। इसके बाद लगातार विपक्षी दल बीजेपी जो है वह लालू यादव पर हमलावर थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार का असली सुशासन यही है। सम्राट ने कहा था, समय आने दीजिए, अभी तो डीएसपी लालू यादव के पीछे छाता लेकर घूम रहे हैं, आने वाले दिनों में एसपी और कलेक्टर भी उनके पीछे छाता लेकर घूमेंगे। वहीं अन्य बीजेपी नेताओं ने भी लालू यादव पर जमकर निशाना साधा था। वहीं अभी यह मामला शांत ही हुआ था कि अब राबड़ी देवी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला कांस्टेबल जो है वह राबड़ी देवी का चप्पल संभालती नजर आ रही है। वहीं अब यह वीडियो चर्चा का विषय, बिहार में चर्चा का केंद्र बन गया है। बता दें कि लालू यादव जो है वह पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी। वहीं जब लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया जब हो रही थी तब उनकी पत्नी के द्वारा कई मंदिरों में मन्नत मांगी गई थी। वहीं तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों के द्वारा भी मन्नत मांगी गई थी। उसके बाद अब जो है वह लालू यादव बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही राजनीति में भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कहा जा रहा है कि लालू यादव जो है वो अपने मन्नत को पूरा कर रहे हैं, वह लगातार मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं और उस मन्नत को पूरा कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि इसके पहले लालू यादव जो है वह गोपालगंज के एक मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। इसके बाद वह मुंबई जब गए थे उस दौरान भी वह एक मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि लालू यादव जो है वह लगातार पूजा पाठ में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं आज लालू यादव जो है वह पत्नी राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं बिहार की, उनके साथ हाजीपुर स्थित हरिहरनाथ बाबा के मंदिर पहुंचे थे, जहां से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राबड़ी देवी का चप्पल संभालती एक महिला कांस्टेबल नजर आ रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वह चप्पल असल में राबड़ी देवी का था
लेकिन यह जो है चर्चा का केंद्र बन चुका है बिहार में। यह जो तस्वीर है या जो वीडियो है वह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस वीडियो पर बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Wow.